बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी शैल रिव्यू आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी ऑफ टू स्टूडेंट्स। रिमेंबर, दिस क्वेश्चन इज टेस्टिंग हायर लेवल स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। सो द एग्जामिनर नीड्स टू सी एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉइंट्स दैट यू मेक। वो पॉइंट कौन से हैं और उसको एक्सप्लेनेशन कैसी होती है वो हम स्टूडेंट स्क्रिप्ट से समझेंगे। तो पहला जो है वो हियर इज अ टू व्यू स्टेट व्यू पॉइंट क्वेश्चन। सो व्यू ए और व्यू बी में आपने पहले काम ये करना है कि इसको अंडरस्टैंड करना है और इसमें कीवर्ड को तलाश करना है। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज बेस्ट रिड्यूस्ड बाय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज द बेस्ट रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग लिटरेसी फॉर ऑल स्पेशली फीमेल। तो इसमें जो कीवर्ड है वो क्या है, ग्रोथ रेट इज बेस्ट रिड्यूस्ड बाय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इज बेस्ट रिड्यूस्ड। सो ये कीवर्ड हो गया। सो दिस क्वेश्चन गिव्स टू पॉसिबल वेज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान। एक क्या है जी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और दूसरा इंक्रीजिंग लिटरेसी फॉर ऑल। तो ये पहला स्टेप हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। दूसरा स्टेप ये है कि इस तरह के क्वेश्चन को जिसमें टू व्यूज दिए जाते हैं अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो इसको अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं। तो मेथड नंबर वन इज यू कैन आर्गू फॉर एंड अगेंस्ट बोथ व्यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यू ए है, इसके फेवर में भी आप पॉइंट लिखें और उनको एक्सप्लेन कर दें, और व्यू और फिर इसी व्यू ए के अगेंस्ट में पॉइंट दें और उसको एक्सप्लेन कर दें। सेम व्यू बी के साथ करें, व्यू बी के फेवर में पॉइंट लिखें और फिर इसके अगेंस्ट में पॉइंट लिखें, और आखिर में एक इवेल्युएटेड स्टेटमेंट दें कि विच व्यू डू यू एग्री विद मोर। ठीक हो गया, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है जो आसान है, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि इस मेथड से ही आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वो है कि यू कैन आर्गू फॉर वन वन व्यू एंड अगेंस्ट द अदर व्यू। ठीक है, आपने अगर व्यू ए के फेवर में पॉइंट दिया है और उसको एक्सप्लेन किया, उसकी एग्जाम्पल दी है, तो व्यू बी के अगेंस्ट में पॉइंट दें और जो है उनको डिवेलप करें, उनकी उनको एक्सप्लेन करें और उसकी एग्जाम्पल दे दें। ठीक है, आपने दोनों व्यू ए और व्यू बी को पॉइंट देने हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है, तो ये दोनों में करना है। लेकिन बेहतर ये है ऑप्शन के व्यू ए या व्यू बी, व्यू बी को अगर आप सपोर्ट करते हैं, इसके साथ एग्री करते हैं, तो फिर आपने इसकी फेवर में पॉइंट देना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है और उसकी मिसाल देनी है, एग्जाम्पल देनी है। तो व्यू बी के अगेंस्ट में आपने फिर पॉइंट लिखना है, पॉइंट लिखने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है और कोई एग्जाम्पल है तो वो कोट कर देनी है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। और इसमें एक इवेल्युएटेड स्टेटमेंट जरूरी है कि आई एग्री विद मोर व्यू ए और व्यू बी। किसके साथ आप सपोर्ट करते हैं, एग्री करते हैं, वो लाजमी आनी चाहिए। इसका तरीका एक तो डायरेक्ट ये है कि आई एग्री विद व्यू ए, या फिर ये हो सकता है आई एग्री दैट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज बेस्ट रिड्यूस बाय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड योर इवेल्युएटेड स्टेटमेंट। तो अभी एक स्टूडेंट स्क्रिप्ट का रिव्यू देखते हैं जी। नंबर वन है, द फर्स्ट बॉक्स सेज दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज बेस्ट रिड्यूस बाय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, व्यू ए में है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। आई थिंक दिस मेथड ऑफ रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान could not actually work since many people living in Pakistan are illiterate or are not very well educated. So this method is a waste of time for NGO. ये पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है। तो इसको अगर हम जरा एनालाइज करें तो ये देखिए कि उन्होंने पहले कोई अभी तक इवेल्यूएटेड स्टेटमेंट नहीं थी, उसमें वो कहते हैं पहले बॉक्स में जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मेरी नज़र में वो कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि इलिटरेट लोग जो है वो इलिटरेट है। तो इलिटरेट अगर हैं तो ये उन्होंने पॉइंट दिया है कि मैनी पीपल लिविंग इन पाकिस्तान आर इलिटरेट। तो इस पर जो है डेवलप करना करने के लिए इस पर क्वेश्चन मार्क करें अगर आप, कि व्हाई इलिटरेसी मेक इट डिफिकल्ट फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। तो इसका आंसर कहीं मौजूद है, आप देखें आगे कि व्हाई इलिटरेसी मेक इट डिफिकल्ट फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कोई आंसर है इसका? अगर आंसर नहीं है तो फिर ये डिवेलप नहीं हुआ ये पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इसको अब क्वेश्चन ये है कि डिवेलप कैसे करें कि मैनी पीपल लिविंग इन पाकिस्तान आर इलिटरेट। तो मैं इसको डिवेलप करता हूँ, इफ मैनी पीपल लिविंग इन पाकिस्तान आर इलिटरेट सो डू नॉट अंडरस्टैंड द फ्लायर और लीफलेट्स गिवन आउट बाय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल सबस्तारा। ठीक है, कि जो फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं सब स्तारा लाइक, जब वो कोई लीफलेट या कोई फ्लायर जो है वो घरों में जाके तकसीम करते हैं जिस पर हाई बर्थ रेट के प्रॉब्लम्स लिखे होते हैं या उनको कंट्रोल करने के कोई मेथड लिखे हुए हैं, तो ड्यू टू इलिटरेसी मोस्ट ऑफ द पीपल दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन ऑन द फ्लायर।
तो ये उसकी डेवलपमेंट है। अगर ये डेवलपमेंट आ जाती तो ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता और उसकी एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये कंप्लीट हो जाता। चूंकि यहां पर ऐसा नहीं है, सिर्फ पॉइंट है और आगे डायरेक्ट उन्होंने कह दिया सो दिस मैटर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर एनजीओ, कि उन्होंने जो है डिसीजन दे दिया अपना, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट हो गया। तो सेकेंड बॉक्स सेज दैट पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग लिटरेसी अमंगेस्ट वुमेन। ये उन्होंने कहा है कि जी सेकेंड बॉक्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा अभी तक, उन्होंने का ये वही उसी स्टेटमेंट को दोबारा दोहरा दिया है। आई एग्री विद दिस बॉक्स मोर एज लिटरेसी अमंगेस्ट वुमेन वुड बी बेनिफिशियल फॉर देयर चिल्ड्रन। आई एग्री विद मोर, यहां पर उन्होंने स्टेटमेंट इवेल्यूटेड स्टेटमेंट दी है, लेकिन आगे जाके इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना था, वहां गलत कर दिया कि आई एग्री विद मोर दिस बॉक्स अमंगेस्ट वुमेन वुड बी बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन, फॉर देयर चिल्ड्रन। जिन खवातीन को, वुमेन को जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम करने के हवाले से बात करनी चाहिए थी, उन्होंने कहा कि जी उन्हीं के चिल्ड्रन जो है उनको और उनकी फैमिली को उनकी एजुकेशन होने का फायदा होगा। तो ये इररेलीवेंट स्टेटमेंट है, जबकि स्टेटमेंट में ये दिया ही नहीं हुआ, ये उन्होंने खुद से ऐड किया, तो इसका कोई नंबर नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है। दिस मैथड वुड एफिशियंटली रिड्यूस द ग्रोथ टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर नॉट वेरी, वही रेपिटेशन है। तो इसलिए चूंकि इन्होंने जो है एक ही स्टेटमेंट दिया है, देयरफॉर दिस कैंडिडेट कुड रीच टू लेवल वन, सो वन मार्क इज ओनली क्रेडिटेड। अभी एक और यही क्वेश्चन है, द सेम क्वेश्चन, एंड लेट सी द अनदर स्क्रिप्ट। आई एग्री दैट बाय इंक्रीजिंग लिटरेसी फॉर एवरी वन विल बी द बेस्ट आइडिया। तो ये क्या है, इवेल्युएटेड स्टेटमेंट, जजमेंट उन्होंने दे दिया है, यहां पर अपना डिसीजन दे दिया है। अब इस डिसीजन को उन्होंने प्रूफ करना है, रीजन देकर के वो क्यों समझते हैं कि लिटरेसी इज द बेस्ट आइडिया। तो अ लिटरेसी क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, उन्होंने पहला पॉइंट लिखा है कि लिटरेसी क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, उस पर मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है कि आपको इस पर क्वेश्चन करना है कि हाउ लिटरेसी मेक अवेयर, लिटरेसी क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, तो वट काइंड ऑफ अवेयरनेस इट मे बी। तो उसका उन्होंने जवाब लिखा दैट मटीरियल पोजेशन आर मोर इंपॉर्टेंट, पहला जवाब हो गया। दूसरा उन्होंने जवाब लिखा है इसी सवाल का कि अवेयरनेस से क्या चीज पता चलती है, कि मटेरियल पोजेशन आर इंपॉर्टेंट, और दूसरी बात जो पता चलती है दे विल बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड ड्यू टू हायर बर्थ रेट। तो ये उन्होंने पॉइंट दिया और दो उसके जो है रीजन दे दी, तो ये डेवलप हो गया। अब दूसरा जो है फैमिली प्लानिंग, अब जो दूसरा व्यू पॉइंट है फैमिली प्लानिंग वाला, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया विद एग्जाम्पल, वो कैसे उसकी प्रॉब्लम बताई है, क्योंकि दूसरे व्यू पॉइंट के आपने प्रॉब्लम बतानी थी। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सच एज सब सितारा एंड चाबी का निशान हैव बीन मेड बट वर नॉट बेनिफिटेड एज पीपल ऑफ रूरल एरियाज डू नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। उन्होंने बताया कि जो दूसरा जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उसमें जो सब सितारा एग्जाम्पल देकर ऑर्गेनाइजेशन की बताया कि वो कुड नॉट बी बेनिफिटेड टू द पीपल ऑफ रूरल एरिया, रूरल एरिया में खासतौर पर उन्होंने फोकस कर दिया और बताया उनको बेनिफिट क्यों नहीं हो सका, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, कि वो इलिटरेट हैं। तो ये भी डेवलप हो गया, अदर पॉइंट ऑफ व्यू भी डेवलप कर दिया। तीसरा था देयर फॉर लिटरेसी स्पेशली फॉर फीमेल विल मेक देम अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो फीमेल का आखिर में आपने देखा था कि ये देखिए स्पेशली फीमेल, इसका जिक्र जरूर करें, तो करना होता है लाजमी। तो देयर फॉर लिटरेसी फॉर फीमेल विल मेक देम अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई बर्थ रेट, वो ऑन देयर ओन हेल्थ भी हो सकता है, एंड विच लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। तो ये जो है आप, उन्होंने इस तीसरे पॉइंट को भी डिवेलप कर दिया है। सो दिस इज वट इज रिक्वायर्ड एंड टू डिवेलप दीज पॉइंट। ये याद रखिए बेटा कि ये एज दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स हायर लेवल स्किल्स। स्किल्स क्या होती हैं, स्किल्स तभी आती हैं जितना आप उनको प्रैक्टिस करते हैं, उतनी स्किल्स आती हैं। देयर फॉर यू वुड बी एबल टू वॉच सम मोर वीडियोज ऑन द सेम टॉपिक। और अगली वीडियो में मैं आपको वो की पॉइंट्स बताऊंगा कि जिस जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको लाजमी आपने अपनी नज़र में रखना है। कुछ आज डिस्कस हुए हैं और कुछ उनको डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको सामने रखते हुए अपना ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। जी, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।